नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरोपी सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर की सजा रद्द कर दी है। सुरेंद्र कोहली को 12 मामलों में बरी किया गया है। इन मामलों में ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं मनिंदर सिंह पंडेर को 2 मामलों में दोषी पाया गया था, उसकी भी फांसी की सजा रद्द कर दी गई है। दोनों आरोपियों ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अब कोर्ट ने दोनों को निर्दोष करार दिया है। फांसी की सजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी थी चुनौती। सीबीआई ने 2005 से 2006 में सुरेंद्र कोहली को जान लेने, अपहरण, दुष्कर्म और सबूत मिटाने के केस में आरोपी बनाया था। वहीं पंडेर पर मानव तस्करी का भी आरोप लगा था। दोनों ने 2 मामलों को लेकर फांसी की सजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। आरोपियों का कहना था कि इन मामलों में कोई चश्मदीद गवाह मौजूद नहीं है, उन्हें ये सजा सिर्फ वैज्ञानिक और परिस्थितिजनक सबूतों के आधार पर सुनाई गई है। 2 जजमेंट्स आए हैं, 2 अपील्स थी, यानी 2 रेफरेंस थी, जिसमें फांसी हुई थी सेशंस कोर्ट से, सेशंस कोर्ट गाजियाबाद से। दोनों मुकदमों में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनिंदर सिंह पंडेर को बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया। सुरेंद्र कोहली को भी, बाकी जितने भी अपीलें यहां पर थी, सब में बरी कर दिया गया। कितने केसेस में अपील की गई थी और कितने में? कोहली में मेरे ख्याल से 14 के आसपास थी, 14 के 14 थे शायद, हाँ 14 देवर 14 केसेस, तो सब में बरी कर दिया गया है। और पंडेर के खिलाफ सिर्फ 2 थी, तो उन दोनों में बरी कर दिया। तो ये मतलब बरी कर दिया कि मतलब कोई सजा नहीं है अब, कोई सजा नहीं है। सेशंस कोर्ट का जो जजमेंट है उसे रिवर्स करके एक्विटेड। अब ये जेल से बाहर आएंगे। कितने केस थे मनिंदर पंडेर पे, कुल टोटल कितने? टोटल 6 केसेस थे सर, जिसमें से एक तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था, बाकी 3 में नीचे कोर्ट सेशंस कोर्ट से बरी हो गए थे, बचे 2 में फांसी थी, उन पास हाँ अब उनमें भी हो गए। तो उम्मीद तो यही है कि जल्दी से जल्दी बाहर आएंगे। सुरेंद्र कोहली के ऊपर कोई कितने केस थे, वो कितने में वो बरी सर? उसमें तो मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं, बट मेरे जितनी लिमिटेड नॉलेज है उसमें शायद टोटल 19 थे। अभी जितनी अपील इस वक्त पेंडिंग थी उनमें वो बरी हो गए, बाकी का स्टेटस मिस्टर पंडेर शुड बी आउट। बता दें कि 17 साल पहले नोएडा में ये कांड हुआ था। इस चर्चित सीरियल मर्डर केस ने सबको हिलाकर रख दिया था। मामला नोएडा के निठारी गांव का है। इसका खुलासा तब हुआ जब एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के गायब होने की शिकायत पुलिस में की थी। बिजनेसमैन मनिंदर पंडेर के घर में वो लड़की काम करती थी। मनिंदर नोएडा सेक्टर 31 के बंगले D5 में रहता था। शिकायत के बाद दिसंबर 2006 में पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में पुलिस को पंडेर के फ्लैट के आसपास नालों में 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले। इसके बाद पुलिस ने मनिंदर सिंह पंडेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ 19 में से 16 मामलों में चार्जशीट फाइल की गई। 3 केस को सबूतों के अभाव के कारण बंद कर दिया गया था। जांच में सामने आया कि बच्चों का यौन शोषण करने के बाद उनकी जान ले लेते थे। साथ ही सामने आया कि सुरेंद्र कोहली एक बीमारी से पीड़ित था, नेक्रोफिलिया ये बीमारी थी, ये एक तरह की मानसिक बीमारी है, इसके पीड़ित लोग लाशों के साथ हैं। इसके अलावा ये भी आरोप लगा कि दोनों बच्चों की जान लेने के बाद उनका अंग निकाल लेते थे। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।